हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रतिभा। मेरे चैनल कानपुर किचन एंड ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे आप बहुत ही आसानी से सस्ते दामों में हैंड सैनिटाइजर घर पर बड़ी आसानी से बना सकते हैं। हैंड सैनिटाइजर एक लिक्विड है जिसको हम थोड़ा सा हाथ में डालकर दोनों हाथों से रगड़ते हैं, जिससे हमारे हाथ पूरी तरह से कीटाणु रहित हो जाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बाजार के सैनिटाइजर बहुत महंगे होते हैं और उनमें अधिक मात्रा में केमिकल पाया जाता है, और अभी आजकल कोरोना वायरस की वजह से जो बाजार में सैनिटाइजर हैं या तो वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं या फिर अवेलेबल नहीं हैं। तो इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से घर पर होममेड हैंड सैनिटाइजर बना सकते हैं और उसे यूज करके आप अपने हाथों को पूरी तरीके से कीटाणु रहित कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। होममेड हैंड सैनिटाइजर बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी एलोवेरा जेल की। तो मैंने यहाँ पर फ्रेश एलोवेरा की पत्ती ली हुई है और इस तरीके से हम इसे एक साइड से पहले कट करेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। और इसका जो ऊपर का ये छिलका है उसे निकाल करके एक स्पून की हेल्प से इसके बीच का हमें पल्प निकाल लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से हम एक चम्मच से इसका पल्प निकाल लेंगे और एक कटोरी में कलेक्ट करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक पत्ती का निकाल ली हूँ। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, और आप चाहें तो अगर आपके पास ये फ्रेश पत्ती नहीं है एलोवेरा की, तो आप जो मार्केट का एलोवेरा जेल आता है आप उसे भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये जो एलोवेरा है फ्रेश एलोवेरा निकाल लिया हुआ है, इसे हम मिक्सी में डाल करके इसे पीस लेंगे, जिससे कि एकदम लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने कुछ सेकंड के लिए ग्राइंड कर लिया हुआ है और ये जो हमारा एलोवेरा जेल है वो एकदम अच्छे से लिक्विड फॉर्म में हो गया है। इसमें आपको पानी नहीं डालना है, ऐसे ही ग्राइंड करना है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये देखिए, अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं है तो आप जो ये मार्केट का एलोवेरा जेल आता है वो यूज कर सकते हैं, पतंजलि का या कोई भी ब्रांड का। बट आपको केसर चंदन वाला नहीं यूज करना है, जो ग्रीन कलर का आता है वो यूज करना है। अब हम इसमें डालेंगे रबिंग एल्कोहल। ये देखिए, रबिंग एल्कोहल आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगा 15 से 20 रुपये में। किसी भी आप मेडिकल शॉप में जाएंगे और बोलेंगे कि रबिंग एल्कोहल चाहिए तो बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। तो जितना हमने एलोवेरा जेल लिया था उसकी जस्ट डबल क्वांटिटी हमने इसमें रबिंग एल्कोहल डाला है। आधा छोटी चम्मच हम इसमें ग्लिसरीन डालेंगे और इसी के साथ हम इसमें कुछ ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ये टी ट्री एसेंशियल ऑयल है, जिसकी जो खुशबू होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। बट अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बिना इसके भी बना सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ऑलिव ऑयल। आप ऑलिव ऑयल की जगह बादाम का तेल डाल सकते हैं या नॉर्मली कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें डेटॉल डाल देंगे, जिससे कि ये और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। ये देखिए, अच्छे से मिलाएंगे। तो मैंने आधा चम्मच इसमें डेटॉल डाला हुआ है। अच्छे से मिला लेंगे सारी चीज़ों को। ये घर का बना हुआ बहुत अच्छा हैंड सैनिटाइजर इस तरीके से आप बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब हम क्या करेंगे कि इसे छान लेंगे इस तरीके से। जो अगर कुछ पार्ट चंक्स रह गए होंगे एलोवेरा जेल के, तो वो ऊपर रह जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे छान करके तैयार कर लिया हुआ है और ये हमारा एकदम प्योर घर का बना हुआ होममेड हैंड सैनिटाइजर बनके तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे एक प्लास्टिक की बोतल में भर लेंगे इस तरीके से। तो किसी भी बोतल में आप भर करके उसके ऊपर स्लिप लगा दीजिए। मेरे पास ये गुलाब जल की एक बोतल पड़ी थी, मैंने उसमें फिल कर लिया हुआ है। इसके बाद आपको यूज कैसे करना है, पहले अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद हाथों को अच्छे से पोंछ लेना है। अब थोड़ी सी क्वांटिटी कुछ ड्रॉप्स आपको इसमें डालने हैं और हाथों को इस तरीके से रब करना है, और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि एकदम ड्राई हो जाएगा। और ये लीजिए, हमारा घर का बना हुआ होममेड हैंड सैनिटाइजर बनके तैयार है, जिसे आप इस समय पर यूज कर सकते हैं, जो कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आई होप कि आपको ये होममेड हैंड सैनिटाइजर बनाने का तरीका पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो।